साथी पर्यटक ने हमसे कहा कि शाम के समय सनसेट पॉइंट जरूर जाना। उसका सुझाव मानकर हमने सनसेट पॉइंट जाने का निश्चय किया। बच्चों आपको पता है सनसेट पॉइंट किसे कहते हैं? सनसेट पॉइंट ऐसी जगह होती है जहाँ से देखने पर सूर्यास्त के समय जो सूर्य है वो समुद्र में डूबता हुआ दिखाई देता है। जो जिस जगह से हमें ये नज़ारा दिखाई देता है उसे सनसेट पॉइंट कहा जाता है। हम शाम होने से पहले ही वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर देखा कि पहले से ही पर्यटकों की भीड़ मौजूद थी। वहाँ पर वे शाम को चले गए लेकिन वहाँ पर क्या थी? पर्यटकों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। हमने देखा कि सूर्य का नारंगी गोला धीरे धीरे घाटी में समा जाने के लिए नीचे उतर रहा था। सूर्यास्त के समय सूर्य नीचे आते जाता है और सूर्य का रंग नारंगी हो जाता था। वास्तव में सूर्यास्त का ऐसा अद्भुत नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। प्रांजलि ने ऐसा सूर्यास्त का नज़ारा कभी भी नहीं देखा था। हमें आगे दिल्ली वापस जाने की तैयारी करनी थी। चलने से पहले एक साथी पर्यटक ने हमें बताया कि माउंट आबू राजस्थान का अकेला हिल स्टेशन है तथा यहाँ कभी बर्फबारी नहीं होती। तो माउंट आबू क्या है? राजस्थान का एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर कभी भी बर्फबारी नहीं होती है, मतलब वहाँ पे कभी भी बर्फ नहीं गिरती।